हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ। प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हेलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव। आई एम सीमा गुप्ता फ्रॉम ग्वालियर। आज हम अफगानी पनीर बनाने जा रहे हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हम अमूल का पनीर, अमूल का बटर एंड अमूल का चीज, अमूल का दही एंड क्रीम ये यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अमूल के पनीर को मैरिनेट करते हैं। इसके लिए हमने ये अमूल का पनीर लिया है, डाइस वाला। आप कोई भी स्लाइड वाला भी ले सकते हैं। ये पनीर मैंने निकाल लिया है प्लेट में। आज हम अफगानी पनीर बनाने जा रहे हैं, इसकी रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। इसको सबसे पहले हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। एंड ये नींबू का रस। आधा नींबू का रस डालना है। एंड ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो केवल जिंजर का यूज कर सकते हैं। गुड नून जी, गुड नून। ये हम इसको जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें हम अच्छे से कोटेड कर देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसमें नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा पनीर फीका ना लगे। हेलो, ये हम मैरिनेट करके करने के लिए रख दिया है ये साइड में। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, इसकी व्हाइट ग्रेवी बनेगी। इसके लिए हम प्याज, हरी मिर्ची, ये भींगे हुए काजू जो मैंने 2 घंटे पहले भिंगो के रखे थे वो ये काजू हैं, और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। साथ ही हम इसमें पुदीना एंड धनिया ये डालेंगे। ये मैंने धनिया डाल दिया है रफली काट के, क्योंकि इसमें फिर से पिस ही जाएगा। हेलो, वेलकम। आज हम अफगानी पनीर बना रहे हैं। ये पुदीना है, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा कट करके डाल देती हूँ। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्ची, ये मैंने बड़ी बड़ी काट ली है। ये काजू के भींगे हुए काजू, ये थोड़ा सा प्याज के टुकड़े, इतने पूरे नहीं डालेंगे, बड़ा वाला प्याज है। एंड थोड़ा सा अदरक, ये हम इसमें। हेलो, वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है। आई एम सीमा गुप्ता फ्रॉम ग्वालियर।
ये हम पीस लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। पीस किया है और थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेते हैं इसको। ये भी एक थोड़ा थिक है, थोड़ा सा और पीस लेते हैं। इसमें हम जरा सा पानी डाल देते हैं, बस इतना ही बहुत है। इसमें हमें चीज़ और डालना है, इसमें ये जो हमने ये पीसा है इसमें थोड़ा सा चीज़ डालना भूल गई थी, अब डाल देते हैं चीज़। चीज़ एंड काजू हमारी रेसिपी को बाइंड करेंगे, वो बिखरेगा नहीं। जब हम दही और क्रीम डालेंगे तो वो फटेगा नहीं, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, मूँगफली डाल सकते हैं, पर टेस्ट काजू का बहुत अच्छा आता है। मैंने थोड़ा सा चीज डाला है, इससे ये इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा उससे। ये हमारी ग्रेवी तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। हेलो, वेलकम, सभी का स्वागत है अमूल फेसबुक पेज पर। मैंने गैस ऑन कर दिया है, ये वाला कर दिया, ये देखिए ये विजिबल है, इस पर रख दिया। हमें पनीर को मैरिनेट करना है इसमें डिप करके, इसलिए मैंने ये पहले से गर्म करने रख दिया। अभी हम इसमें अमूल का दही, फिटा हुआ दही यूज करना है, बिल्कुल उसमें लम्स ना हो, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये क्रीम अमूल की क्रीम है ये। हेलो, वेलकम। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पनीर में भी डाला है तो इसमें हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची, कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी ये भी इसमें जाएगी। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, पनीर को मैरिनेट करेगी और यही हमारी ग्रेवी बनेगी हमारी रेसिपी की।
हेलो, आज हम अफगानी पनीर बना रहे हैं जिसमें हम अमूल का पनीर, अमूल का बटर, अमूल की क्रीम एंड अमूल का दही यूज करने वाले हैं। ये हमारा रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ये भी डाल देते हैं, आधा चम्मच। थोड़ा सा हमने पनीर में भी डाला है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं डाला। हेलो, वेलकम, सभी का स्वागत है। ये जो पनीर हमने मैरिनेट करने रखा था, नमक, नींबू का रस एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर, उसको 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें इसको डिप करेंगे। तवा गरम हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। साथ ही बटर डाल देते हैं, इससे बटर जलेगा नहीं, इसलिए मैंने दोनों चीज का यूज किया है, इससे बटर जलता नहीं है। ये पीसेस वाला पनीर है का पैकेट है। अगर आप बड़ा पनीर का पैकेट लाते हैं सिंगल पीस वाला, तो आप बड़े बड़े पीसेस भी काट सकते हैं, वो अच्छा लुक देंगे। एंड अगर आपका पैन ग्रिल वाला है तो आप उस पर भी मैरिनेट कर सकते हैं। उस पर ग्रिल की लाइंस जो आ जाती हैं वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं और अच्छा लगता है देखने में भी। हमें ये तवे गरम पर ही डालना है, ठंडे तवे पर ये पानी छोड़ जाएगा और फिर हमारा जो पनीर है वो पूरा, उसका ग्रेवी यहीं पर ही पिघल जाएगी, इसलिए इसको गरम तवे पर ही बनाना है। पनीर को 2 बार मैरिनेट करना पड़ता है इसमें, एक बार नमक के साथ, एक बार ये ग्रेवी के साथ जो हमने अपनी ये ग्रेवी बनाई थी, धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्ची और सारे मसाले डालकर। हेलो, हाय रेनू जी, वेलकम। इसे हम पलट देते हैं, ये साइड से हो गया है, ये ज्यादा ही हो गया उसका।
ये अभी एक साइड से हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। हेलो, वेलकम बाबुल पॉप, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपा मैम एंड कुणाल सर, सैफ कुणाल, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, ब्राउन कलर का ब्राउन कलर आ गया है, ये मैरिनेट हो गया है। फिर भी हम इसको स्लो गैस पर, इस वाली गैस पर रख देते हैं। यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये स्लो गैस पर हो रहा है और अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी के लिए इसमें हम ऑयल एंड बटर डालेंगे। छोटा सा जीरा डाल देते हैं। अभी इसमें हम तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, ये लौंग, लौंग है 3-4, ये काली मिर्ची, ये हरी मिर्ची बड़ी बड़ी पीसेस डाल दी है, पीस के हमने उसमें डाल दी थी, ये अदरक, ये दौड़ा बड़ी वाली इलायची है, इसको मैं कम डालूंगी क्वांटिटी में क्योंकि हम कम बना रहे हैं। थोड़े से दौड़े के पीसेस डाल दिए इसमें। हेलो, वेलकम,
इसमें अब हम ये ग्रेवी डालते हैं। ये वही ग्रेवी है कि हमारा पनीर मैरिनेट हो गया है। देखिए ब्राउन कोटिंग हो गई है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ गैस को। जब इसमें हमारे उबाल आ जाएगी ग्रेवी में तब हम इसको ऐड कर देंगे पनीर को। बस फिर हमारी रेसिपी तैयार है, अफगानी पनीर। इसमें उबाल आने पर 5 मिनट के लिए हम सिमर करते हैं, बिल्कुल सिम गैस पर थोड़ा हल्का हल्का पकने देते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें। हेलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हेलो रुबीना जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हेलो दीपा जी, ये हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम ये पनीर जो हमने मैरिनेट किया था ये ऐड करेंगे। हेलो, अभी हम इसको सर्विंग प्लेट में लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। हमारा अफगानी पनीर रेडी है व्हाइट ग्रेवी के साथ ग्रीनिश। इसमें हमने धनिया और पुदीना डाला है, इससे इसका कलर ग्रीन आया है। और हमने इसमें टमाटर का यूज नहीं किया, हल्दी का यूज नहीं किया।
इसको हम ग्रीन कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। ये हमारी रेसिपी रेडी है, अफगानी पनीर। थैंक यू सो मच जॉइनिंग मी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू अमूल पेज हु ऑर्गेनाइज दिस लाइव सीजन। थैंक्स यू। बाय बाय।